हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका QES टेक्निकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एट QES। दोस्तों, ग्रुप डी का 8 अक्टूबर यानी आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल पर लोको पायलट के पेपर 2 के लिए लेक्चर वीडियोज़ आना शुरू हो गए हैं दोस्तों, यानी कि डायरेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम से डायरेक्ट लेक्चर जो है वो अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सिद्धार्थ प्रताप सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो सिद्धार्थ प्रताप सिंह जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से, ठीक। उत्तराखंड के CM यानी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऑकलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो रॉबर्टो बतिस्ता आगुत। कौन? रॉबर्टो बतिस्ता आगुत ने ऑकलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का पुरुष का एकल खिताब जीता था। मुंबई में जो 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब किसको मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो थी वो विद्या बालन को मिला था और सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो था वो इरफान खान को मिला था, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल है द कैंडिडेट, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिरुद्ध भट्टाचार्य हैं जिन्होंने द कैंडिडेट पुस्तक लिखी है, ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी ये पूछा गया, तो एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है 120 डेज, 120 दिन होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीटेड हैं, आप पुरानी जो रिव्यूज हैं वीडियोस हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो जरूर देखें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है कि सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ कौन सी गैस भरी होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट जो होती है उसमें ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा होता है। क्या होता है? मरकरी वेपर, ठीक है। चांदी का अयस्क क्या है? चांदी का अयस्क क्या है? अर्जेंटाइड अयस्क होता है चांदी में। कौन सा अयस्क होता है? अर्जेंटाइड अयस्क। 2017 में किस मराठी फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था? तो कच्चा नींबू जो मराठी फिल्म है उसको 2017 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, ठीक है। 2017 के चेस के चैंपियन कौन है? तो तैन जोगी। कौन है? तैन जोगी, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है? तो मुद्रा रक्षक के लेखक जो हैं वो विशाखा दंत हैं। कौन है? विशाखा दंत। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि वन इंडियन गर्ल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो चेतन भगत जो है वो वन इंडियन गर्ल के लेखक हैं। काफी फेमस पुस्तक थी दोस्तों चेतन भगत की। अगला सवाल केरल के CM से पूछा गया कि केरल के CM कौन है? तो पिनराई विजयन। पिनराई विजयन जो है वो केरल के CM हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में पूछा गया, तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्या हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्या, ठीक है। CEO ऑफ डेल, डेल के CEO के बारे में पूछा गया, तो डेल के जो CEO हैं वो माइकल एस डेल हैं। कौन है? माइकल एस डेल, ठीक है। 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे मिला है? तो वो गोपाल कृष्ण गांधी को मिला है। किसको मिला है? गोपाल कृष्ण गांधी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और ये भी पूछा गया है पहले, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पुराने जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी वीडियोज आप जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि US ओपन सिंगल 2017 के विनर कौन है? तो राफेल नडाल जो है वो US ओपन 2017 के सिंगल के विनर हैं दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बने वो बिंदुसार थे, ठीक है। 298 से 273 ईस्वी पूर्व ये बने थे, ठीक है। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये पूछा गया, तो AR रहमान जो हैं वो सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर जरूर देख लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों ये, ठीक है। एनिमल डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है।
आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में आवर्त का आखिरी तत्व क्या कहलाता है, तो अक्रिय गैसें जो होती हैं आवर्त सारणी के आखिरी तत्व में आती हैं दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल है दोस्तों, 2.8.8.1 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो तत्व है वो किस ग्रुप में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 2.8.8.1 ये तत्व कौन सा है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों 19 हो जाएगा, और 19 जो परमाणु संख्या होती है वो पोटेशियम की होती है, तो पोटेशियम जो है वो यानी कि पहले ग्रुप में आता है। ये इससे देखा जाएगा दोस्तों कि ये 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये पहले ग्रुप में है, ठीक है। अगला सवाल भी देख लेते हैं, 2.8.3 तत्व किस ग्रुप में आता है, तो यहाँ लास्ट में 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स तीसरे ग्रुप में आता है, ठीक है। और इन सबको जोड़ने पर जो परमाणु संख्या बनेगी वो 13 बनेगी, और वो परमाणु संख्या किसकी होती है, वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं दोस्तों आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आखिरी नंबर होता है वो ग्रुप बताता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आखिरी नंबर होता है वो आपका क्या बताता है, ग्रुप बताता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं कि साउंड की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कहाँ होती है, ठीक है, वो ठोस में होती है, कहाँ पर होती है, ठोस में, ठीक। और सबसे कम जो होती है कहाँ पर होती है, गैसों में होती है, निर्वात में बिल्कुल नहीं होती है, यानी वैक्यूम में बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि भार का फॉर्मूला क्या है, तो भार का जो फॉर्मूला होता है वो mg होता है, क्या होता है, mg। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है दोस्तों कि पौधे जगत में थैलोफाइटा किसको बोला जाता है, थैलोफाइटा जो है दोस्तों वो शैवाल को बोला जाता है, किसको, शैवाल को, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो t इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, ठीक है। फोर्स यदि मान लीजिए 5 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस आपकी 4 मीटर दी है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ALP लोको पायलट पेपर 2 के लिए, लोको पायलट के पेपर 2 के लिए हमारी टेक्निकल वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। वो क्लासरूम से डायरेक्ट आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वो वीडियोस का भी नोटिफिकेशन पहुंच सके, हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और उन वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, लोको पायलट पेपर 2 की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।